बस 5 मिनट में सिर्फ 3 ही चीज़ों से आप घर पे बहुत ही इजीली ब्लैक हेयर डाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। लॉकडाउन में आपको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम चीज़ों में आप ये डाई बनाकर अपने सफ़ेद बालों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये डाई को किस तरह से बनाया है आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई सबके घर में होती ही है। उसके बाद आपको लेना है आंवला पाउडर। तो दोस्तों क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ भी बॉयल नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है इस डाई को बनाना, रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं आंवला पाउडर के, 2 टेबलस्पून ही ले रही हूँ मेहंदी के। क्वांटिटी आपको सेम लेनी है, आगे पीछे नहीं करना है अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। तो ये दोनों चीज़ों से भी आप बहुत ही अच्छी डाई बना सकते हैं। बट अगर आपके पास अगली 2 चीज़ें मौजूद है घर पे तो आप उसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके बाद आपको लेना है कलौंजी का। तो कलौंजी इस तरह का पैकेट मिल जाता है, आपको इसको जो है मिक्सी में चलाकर इसका पाउडर बना लेना है। और ये कलौंजी जो होती है ना बालों को काला करती है, बालों को टूटने से रोकती है, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है तो आपको क्या करना है, जो आंवला का पाउडर 2 टेबलस्पून डाले हैं आपको 4 टेबलस्पून आंवले का पाउडर के डालने हैं। अगर आपके पास आंवला पाउडर भी है, कलौंजी पाउडर भी है, तो आपको सेम अमाउंट डालना है, 2 टेबलस्पून कलौंजी पाउडर के, 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर के और 2 टेबलस्पून ही आपको इसमें मेहंदी का डालना है। अगर आपकी रेशियो ठीक होगी तो आपकी हेयर डाई बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून चारकोल पाउडर का। अगर आपके पास चारकोल पाउडर घर पे है तो आप उसका यूज़ कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पे भी चारकोल पाउडर आराम से बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाना है आपको कमेंट सेक्शन में, पहले ही कमेंट में वीडियो में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो घर पे भी आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं भी बनाना तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, तब भी आपकी हेयर डाई बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कोई भी चाय पत्ती या ऐसा कुछ भी पानी नहीं डालना है, बहुत ही ईजी ये डाई बन जाती है। आपको नॉर्मल इसमें पानी डालना है और इसको मिक्स करना है। देखते ही देखते ये मेहंदी जो है ना बहुत ही जल्दी आपकी डाई जो बन जाएगी ब्लैक डाई, बट इसको इसी तरह से अभी आपको यूज़ नहीं करना है दोस्तों। तो इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए इसको मिक्स करते ही ये बहुत ही ज़्यादा काली हो जाएगी, बट इसको आपको अभी यूज़ नहीं करना है, पूरी रात इसको ढक देना है, अगले दिन इसमें एक चीज़ ऐड करनी है फिर इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि केमिकल वाली मेहंदी है जो एक ही बार में आपको बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर दे देगी, ये आपको धीरे धीरे बालों के ऊपर कलर देगी। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपको लगाने से पहले बालों को वॉश करना है, अगले दिन आपको बिना आपके बालों के ऊपर कोई तेल नहीं लगा होना चाहिए, वहाँ पे आप इसको यूज़ करना है, 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उस दिन आपको शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल पानी से बालों को वॉश करना है। ये मेहंदी बहुत ही ज़्यादा डाई अच्छी है जो कि आपके बालों को काला भी करेगी और साथ ही साथ आपके बालों का टूटना भी बंद हो जाएगा, बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों इसको आप वीक में 3 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है 10-15 साल के जो बच्चे होते हैं ना उनके बाल भी बहुत जल्दी वाइट हो रहे हैं, उनके ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह का काला हो गया है, इसको पूरी रात अगर आप छोड़ोगे तो इससे भी डबल काला रंग हो जाएगा, जो डाई है बहुत ही ज़्यादा काली हो जाएगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन इसमें आपको ऐड करना है 1 एग, जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें प्रोटीन होता है जो बालों को शाइनिंग देगा। अगर आप एग का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही का यूज़ कीजिए, दही ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके बालों के ऊपर लगाइएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।